गुड मॉर्निंग ली थी मैंने जब तुमने बोली थी की थी फोन जब चला रहे थे तब की थी हाँ कहाँ तक हो गया था डायग्राम बनवा दिया था इसका कितने छोटे छोटे डायग्राम बनवाते हो हाँ कहाँ तक हो गया था नेट चार्ज विल बी जीरो इन द ओवरलैप्ड पार्ट नेट चार्ज विल बी जीरो इन द ओवरलैप्ड पार्ट इन द ओवरलैप्ड पार्ट बट थिन लेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बट थिन लेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस Thin layer of positive and negative charges will be formed in the upper and lower parts. In the upper and lower parts. Diagram दोबारा बनाना है? मुझे पता था आप कहोगे. काटा नहीं है दो स्फीयर लिए हैं एक पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक नेगेटिवली चार्ज्ड हाँ तो बताओ उसमें टोटल चार्ज हो गया था जीरो किसमें पोलराइज्ड स्फीयर में टोटल पार्ट जीरो हो गया था ठीक है तो हमने क्या किया है कि दो सेम उसी रेडियस के दो पोलराइज्ड स्फीयर लिए हैं ठीक है एक है नेगेटिवली चार्ज्ड और एक है पॉजिटिवली चार्ज ठीक है देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी इनकी पी अपॉन डेल्टा जेड हो जाएगी कि नहीं क्योंकि पी क्या था सिग्मा पी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी में एक लेंथ एलिमेंट को और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा कि नहीं और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो ये हो गई तो पॉजिटिवली चार्ज जो स्फीयर है उस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 4/3 πr³ इनटू पी अपॉन डेल जेड प्लस का और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर पे चार्ज हो जाएगा −4/3 πr³ पी अपॉन डेल्टा जेड ठीक है अब टोटल चार्ज जो होगा जो ओवरलैपिंग पार्ट अब इन दोनों जो स्फीयर्स हैं उनको हमने रखा है डेल जेड डिस्टेंस पे ठीक है तो इन दोनों जो स्फीयर है इनका जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा वहां पे तो टोटल चार्ज हो जाएगा जीरो और ऊपर एक थिन लेयर बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की और नीचे एक थिन लेयर बन जाएगी बस इतना ही बताया था अब तक है ना यही बताया था ठीक है और डायग्राम बनाना है किसी को बनना है कब से कब तक क्यों अच्छा हाँ बताया था आपने क्या क्या कुछ हेल्प कर सकती हो तो बताओ
अच्छा ये वाली हेल्प वहां काम के लिए क्या कह रहे थे तुम? फोटोज डेली के डेली भेजना ना, सही। तो फिर क्यों मंगा रहे हो? क्या ये चार्ज इतना कैसे आएगा? ये तो समझ में आ गया ना। पी क्या था? पी होता है सिग्मा पी के इक्वल, जो क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाउंड चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पे देखो बाउंड चार्ज डेंसिटी ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये इंड्यूस हो जाएंगे ना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से। तो अब देखो ये हो गई बाउंड चार्ज डेंसिटी और बाउंड चार्ज डेंसिटी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि क्या होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम करना है तो एक लेंथ एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया पी अपॉन जेड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना है स्फीयर का 4/3 πr³। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, समझ में आ गया? ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अगर फास्ट फॉर्म में बता देना। लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर, लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ लेंथ डेल जेड, ऑफ लेंथ डेल जेड एंड एरिया डेल ए, एंड एरिया, एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया डेल ए। द वेक्टर एरिया मेकिंग एंगल, द वेक्टर एरिया मेकिंग एन एंगल थीटा, वो लाइन खत्म हो गई है वहीं पे, एरिया डेल ए फुल स्टॉप। द वेक्टर एरिया मेकिंग एन एंगल थीटा विद जेड एक्सिस, इन द अपर पॉजिटिवली चार्ज्ड लेयर, इन द अपर पॉजिटिवली चार्ज्ड लेयर। देखो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, हो जाएगा मतलब बेसिकली एरिया एलिमेंट जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है थीटा, और जो अपरली, जो अपर चार्ज्ड थिन लेयर है वहां पे, यहाँ पे थीटा नहीं होगा, यहाँ पे होगा पाई माइनस थीटा, होगा कि नहीं बताऊं? देखो जैसे कि ये यहाँ पे अगर सिलेंडर लेते तो इसका एरिया, देखो इसका एरिया एलिमेंट होता इधर और ये होता z, तो ये एंगल हो जाता पाई माइनस थीटा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ ऊपर वाली थिन लेयर के लिए, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कॉलम विल बी, द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कॉलम, the volume of this cylindrical column will be, कोई मुझे बताएगा कितना हो जाएगा इसका volume, cylindrical column जो हमने लिया है, del a cos theta into del z, ये हो जाएगा volume। area कितना हो जाएगा del a cos theta, और इसकी length कितनी है del z, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा डेल ए कॉस थीटा डेल जेड। अच्छा नहीं समझ में, वैसे तो इसकी जरूरत है भी नहीं है, नहीं नहीं वैसे तो इसकी जरूरत है भी नहीं है यहाँ पे पर्टिकुलर केस में, पर देखो ये एरिया है जो इधर आएगा कि नहीं। अब देखो ये जितना इतना, एक बार मेरी बात सुनो, ये जितना ऐसे टिल्टेड है इधर की तरफ, मतलब ये ऐसा होता नॉर्मल अगर सिलेंडर होता तो, जितना ये टिल्टेड है इधर की तरफ इतना ये टिल्टेड नहीं होगा इधर की तरफ, होगा? तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, और जेड एक्सिस से एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा।
हम लोग एंगल की किसकी बात कर रहे थे कि जेड एंगल, जेड एक्सिस से कितना एंगल होगा, वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। हाँ एग्जैक्टली हाँ, या फिर जब तुम्हें याद हो तो पोलराइज्ड जो मैंने स्फीयर लिया था वहां पे मैंने एक लंबा सा सिलेंडर लिया था, याद है? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा और यहाँ पे जेड और इसके बीच का एंगल होगा, ठीक है? हाँ वैसे इसकी जरूरत नहीं है बट ठीक है। हाँ कहाँ तक लिखा था? डेल कॉस थीटा डेल जेड, बिकॉज पी अपॉन डेल जेड, बिकॉज बिकॉज पी अपॉन डेल जेड, ये क्या है? पी अपॉन डेल जेड क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है? बिकॉज पी अपॉन डेल जेड इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बिकॉज पी अपॉन डेल जेड इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर therefore total amount of charge, therefore total amount of charge in this cylindrical column, in this cylindrical column will be kitna ho jayega, in this cylindrical column will be, kya puch rahi hu, kya likh raha hai? P अपॉन डेल जेड क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अगर तो इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो विल बी कितना हो जाएगा? डेल ए कॉस थीटा डेल जेड, ये तो हो गया वॉल्यूम सिलेंडर का मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये कितना हो जाएगा? डेल ए कॉस थीटा पी, ठीक है? डेल ए कॉस थीटा हो जाएगा। देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी अब ये तो हो गया, देखो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज हो गया, एरिया कितना होगा उसका? डी ए, डी ए, हाँ। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड लेयर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली कितनी हो जाएगी? चार्ज अपॉन एरिया, यानी पी कॉस थीटा, ठीक है? Similarly, the surface charge density, similarly, the surface charge density on negatively charged layer will be minus P cos theta. माइनस पी कॉस थीटा, कौन सा? इसीलिए तो वो माइनस हो गया है ना, वो कॉस पाई माइनस थीटा आएगा उसकी वजह से, वो माइनस पी कॉस थीटा। हाँ बोलो, पोलराइजेशन तो जेड डायरेक्शन में ही है ना, इसीलिए तो जेड डायरेक्शन से एंगल लिया है, या तो
चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव होगा कहाँ से, चार्ज है कितना है? देखो इतना है कि नहीं चार्ज, ये तो वॉल्यूम हो गया, सॉरी वो चार्ज की बात नहीं कर रहे। एक बार अभी हमने क्या निकाला था, चार्ज ये निकाला है कि नहीं, ये निकाला है यहाँ पे। देखो या तो तुम पी को नेगेटिव डायरेक्शन में ले लो, तो एंगल निकालो माइनस माइनस जेड डायरेक्शन से, या फिर अगर पी को प्लस जेड डायरेक्शन में ले रहे हो तो एंगल निकालो यहाँ से। तो अगर इसे पी को पॉजिटिव लोगे तो थीटा हो जाएगा पाई माइनस थीटा, अगर जेड में ले रहे हो तो फिर उसको जेड में लो तो एंगल जेड से निकालो, और अगर तुम एंगल माइनस जेड से निकालना चाह रहे हो तो फिर यहाँ पे माइनस लो, फिर ये थीटा हो जाएगा सर। सुन मैं बेसिकली एक ही नेगेटिव साइन आएगा, दोनों दोनों जगह से निकाल सकते, ठीक है? या तो P को प्लस जेड डायरेक्शन में लेके वहां से एंगल निकालो, या फिर तुम P को माइनस P ले रहे हो तो फिर एंगल भी फिर माइनस P से ही निकालो, यानी माइनस जेड डायरेक्शन से, ठीक है? आगे लिखो, क्या बोला मैंने, ठीक है? सेम रिजल्ट्स आर फाउंड फॉर अ पोलराइज्ड स्फीयर। सेम रिजल्ट आर फाउंड फॉर अ पोलराइज्ड स्फीयर। बात समझ में आई? ये जो इसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं कि नीचे नीचे एक लेयर बन जाएगी माइनस क्यू की, ऊपर एक लेयर बन जाएगी प्लस क्यू की, ये सेम रिजल्ट किससे भी आएंगे, एक पोलराइज्ड स्फीयर से भी आएंगे। इसीलिए फिर हमने इसको एज अ कॉम्बिनेशन कैसे डिफाइन कर लिया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो बनेगा जब जब पोलराइज्ड स्फीयर होगा। मतलब या तो तुम पोलराइज्ड स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो चार्जेस इंड्यूस होंगे कि नहीं, चार्जेस इंड्यूस होंगे, तो वहां से जो रिजल्ट आएंगे दैट विल बी सेम एज कि हमने कंसीडर किया हुआ है कि दो चार्ज स्फीयर हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और यहां से जो रिजल्ट आएंगे वो सेम उससे रिजल्ट आएंगे, इसलिए हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन को उससे कंपेयर कर लिया है। समझ में आया? ठीक है, तो द टू चार्ज स्फीयर with centers at a distance, two charged sphere with centers at a distance del z, with centers at a distance del z and having charges del z and having charges this and this, 4/3 pi r cube p upon del z and 4/3 pi r cube p upon minus ka, having charges Bhupesh, to phone chalaoge fir, can be considered to form a dipole. Basically देखो हमने क्या कर लिया है, एक polarized sphere था जिसकी radius r थी, उस पर total charge कितना आया था, zero हमने निकाला था, ऊपर आया था 4 pi क्या क्या ये आया था पाई पी आर स्क्वायर, अपर हेमिस्फीयर का जो निकाला था वो आया था पाई पी आर स्क्वायर, ठीक है? इसका मतलब इसका टोटल चार्ज कितना था, जीरो। तो अब हमने इसको कंसीडर किया कि दिस विल एग्जैक्टली बिहेव लाइक टू डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज एट अ डिस्टेंस डेल जेड। मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इसकी तरह, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा कि दो चार्जेस रखे हुए हैं 4/3 पाई आर क्यूब पी अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे रखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब पी अपॉन डेल जेड माइनस का एट अ डिस्टेंस जेड। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये जो दोनों स्फीयर है इनके दोनों के चार्ज यहाँ पे सेंटर होंगे, और ये दोनों सेंटर्स कितनी डिस्टेंस पे, बेसिकली ये दोनों स्फीयर क्या बनाएंगे, एक
डाइपोल बनाएंगे कि नहीं, सही में ये बात। इसीलिए ये दोनों स्फीयर्स क्या बनाएंगे, डाइपोल। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि डाइपोल की वजह से हम निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। तो अब हम जो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो आएगा बेसिकली पोलराइज स्फीयर की वजह से पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बस समझ में यहाँ तक गुड। नीचे लिखिए नेक्स्ट लाइन से, देयरफॉर डाइपोल मूवमेंट ऑफ द पोलराइज्ड स्फीयर, देयरफॉर डाइपोल मूवमेंट ऑफ पोलराइज्ड स्फीयर कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? हाँ, चार्ज कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब पी अपॉन डेल जेड मल्टीप्लाई बाय डेल जेड, यही होता है डाइपोल मोमेंट। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 4/3 पाई पी आर क्यूब। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए कोई भी इक्वेशन ए। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब हम इस टॉपिक में दो सब हेडिंग डाल चुके हैं ऑलरेडी, तो थर्ड सब हेडिंग डालो। पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सैटरडे है ना, वेडनेसडे तक ये यूनिट खत्म हो जाएगी, वेडनेसडे या मैक्सिमम थर्सडे तक। अब इसमें ए पॉइंट डालो, एट पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, राजी समझ आ रहा है क्या? हाँ, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब तुम्हें पता है ये निकालते तो पहले बार के पॉइंट पे निकालते हैं, फिर सरफेस पे निकालते हैं, फिर अंदर निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं, बाहर। इसमें लिखिए अ पोलराइज्ड स्फीयर behaves like a dipole of dipole moment small p, behaves like a dipole of dipole moment small p given by the equation number a। यस, डाइपोल मूवमेंट को हमेशा स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे और पोलराइजेशन को कैपिटल पी से। स्मॉल पी गिवन बाय इक्वेशन ए, देयरफॉर ए, हाँ, या फिर यहीं पे वैल्यू लिख सकते हो, या फिर गिवन बाय इक्वेशन ए, देयरफॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट Having coordinates r theta, potential at a point having coordinates r theta situated outside the polarized sphere, r theta situated outside the polarized sphere will be अब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद है सबको, याद है? तो अब यहाँ पे बस पी की वैल्यू रख देंगे, सॉरी ये स्मॉल पी है ना,
ये हो जाएगा कि नहीं पोटेंशियल? ये आ जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। अब देखो एक बार वो देख लेना तुम लोग, मैंने जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वो लिखवाए थे ग्रेडियंट लिखवाया था और वो जो डेल स्क्वायर लिखवाया था, उसमें से ग्रेडियंट यूज कर रही हूं मैं इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो उसे देख लेना। हाँ अब इसे निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा देखो, माइनस डेल ऑफ डेल आर, और ये आता है आर कैप, सॉरी एक मिनट रुको, ये आएगा आर कैप माइनस वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा थीटा कैप, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा। अब इसमें किसी को डाउट है कि कैसे आया तो आप कॉपी खोल के पीछे जाके देख सकते हैं। हाँ जी बोलो। जो पॉइंट है ना वो आर और थीटा दोनों पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल आर पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, फाइव पे नहीं कर रहा है, इसलिए फाइव वाला नहीं लिख रहे हम, सिर्फ दो लिख रहे हैं। और दो में क्या क्या आता था, एक तो डेल वी अपॉन डेल आर, वन अपॉन आर डेल वी अपॉन थीटा, और थर्ड वाले में क्या आता था, वन अपॉन आर साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल फाई। याद है किसी को? नहीं तो पीछे देख लो, अभी बता देती हूँ ये कैसे आया। क्लियर हो गया? कहाँ पे लिखाया था? हाँ एग्जैक्टली टेबल से बनाई थी, उसके बाद मैंने लिखवाए थे अलग अलग उनके, ठीक है। तो यहाँ से क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या था, याद है तुम्हें क्या था? हाँ एग्जैक्टली यही था ना, वन अपॉन एफ डेल वी अपॉन डेल यू, डेल अपॉन डेल यू, फिर हाँ वन अपॉन जी। हाँ तो ये वन अपॉन जी वाला है, वन अपॉन जी डेल अपॉन डेल डब्ल्यू डब्ल्यू कैप, ठीक है। तो ये आ गया डेल अपॉन डेल आर। वी कितना है हमारा? पी आर क्यूब कॉस थीटा। अब पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कॉस थीटा को रखेंगे कॉन्स्टेंट, केवल किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? आर कैप। कितना आ जाएगा ये आर कैप? यहाँ पे यू कैप आता है, यहाँ पे डब्ल्यू कैप, और फिर वो यू वी कैप और डब्ल्यू कैप। हाँ तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आर कैप। नहीं सिर्फ मैं ऐसे ही लिख दूँ, हाँ रिजल्टेंट अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो निकालना पड़ेगा, कैसे? अंडर रूट ई आर स्क्वायर अपॉन ई थीटा स्क्वायर, समझ गए? लेकिन मैं रिजल्टेंट नहीं निकालूंगी, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगी। सॉरी कि थ्री एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, हो जाएगा पी आर क्यूब कॉस थीटा अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा? माइनस टू बाय आर क्यूब आर कैप। लिख लो इसको।
बिल्कुल हाँ, इसके बाद ये आ गया ई आर, ये आ गया ई थीटा। तो ई वेक्टर को लिखते हैं ई आर आर कैप ई थीटा कैप, तो ये आ जाएगा टोटल ई वेक्टर। अब हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकाल लिए एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। निकाल लिए बोल तो रही हूँ। हाँ अब सरफेस पे निकालेंगे। सरफेस पे निकालने में कुछ करना ही नहीं, सिर्फ स्मॉल आर को कैपिटल आर कर देना है। क्या हो गया? एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द पोलराइज्ड स्फीयर। मिटा दूं, हो गया सबका। देखो ये पोटेंशियल आया है स्मॉल आर पे, ठीक है, तो पोटेंशियल एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर कितना हो जाएगा? पी आर क्यूब कॉस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जाएगा। हाँ, तो वी आ जाएगा पी आर कॉस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन। पता? हाँ, ये तो हो गया। इसे हम लोग
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं। कोई बताएगा कैसे? इसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं। हाँ इजीली, हाँ इसको इजी है इसलिए बता रही हूँ, बाकी तो चेंज करना काफी डिफिकल्ट रहता है। बी हो जाएगा। आर कॉस थीटा को हम लोग जेड बोलते हैं। जेड कितना होता है? आर कॉस थीटा, याद है सबको? हाँ तो ये स्फेरिकल में होता है। अरे तो जेड तो उसका है ना, इंटरचेंज नहीं कर सकते? नहीं समझ में? जेड कितना होता है? आर कॉस थीटा। अब यहाँ बताना मुझे एक्स कितना होता है? ये नहीं था आर साइन थीटा कॉस फाई, ये स्फेरिकल में है, रिलेशन ही तो होता है ये कार्टेशियन। क्या लिखवाया था मैंने कब? अच्छा तुम वो कह रहे हो क्या? वो तो लेंथ एलिमेंट्स थे, वो लेंथ एलिमेंट्स थे, वो आर में था डी आर, डी एल थीटा में था डी फाई, आर डी फाई, और डी एल फाई में था आर साइन थीटा डी फाई। ये है लेंथ एलिमेंट्स, ये ठीक है। ये है कि अगर सिर्फ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये उसके लेंथ एलिमेंट्स होंगे। ये इंटरचेंज था कार्टेशियन का पोलर में, पोलर का कार्टेशियन में। ये याद नहीं है? ये वाला याद नहीं है? देखो ये आर था, ये थीटा था, तो जेड कितना हो जाएगा? जेड एक्सिस में कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा, और फिर इसका एक्स वाई में वो कितना होगा? आर साइन थीटा, और एक्स एंगल बना रहा था फाई, याद आ गया? ये वो है, तो यहाँ से आर कॉस थीटा हो जाएगा जेड। ऐसे हम इसे चेंज कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है? ये लेंथ एलिमेंट्स हैं, वो जो लिखवाए थे ना उस टाइम मैंने बताया नहीं था शायद, क्या है ये लेंथ एलिमेंट्स हैं। जैसे कि लेंथ एलिमेंट्स कार्टेशियन में होते हैं ना dx dy dz, ऐसे ये लेंथ एलिमेंट होते हैं dl r dl theta dl phi स्फेरिकल में। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ER कितना हो जाएगा? ER आया कितना था? 2πr³ cos theta upon लिखो इसे, लिखो लिखो। लिख लो भाई।
देखो ER R equals to R पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे R square R cube आ रहा था तो उसके लिए capital R substitute कर देंगे तो ये आ जाएगा E theta, ये आ जाएगा तो E vector वो आ जाएगा। नहीं ये तो spherical कार्टेशियन में x y z होता है, r theta phi किस में होता है, spherical में, तो ये spherical में है। हाँ हाँ लिख लो ना pz 3 epsilon। अब निकालेंगे एट पॉइंट इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ ये लिख लो, हाँ बस एक मिनट। वैसे तुमको पता हो तो पोलराइज्ड स्फीयर के अंदर चार्ज होगा क्या? नहीं होगा, इसीलिए जब जितना स्फीयर पे होगा उतना ही अंदर हो जाएगा। क्या जो टॉपिक खत्म हो जाएगा इसके बाद सिर्फ तीन टॉपिक रह जाएंगे बस यूनिट में, वेडनेसडे तक खत्म। हाँ लाओ दिखो जल्दी, 1 2 3 इसमें यूनिट 1 कंप्लीट हो गई हो तो बहुत गनीमत मानो है ना। ये तो सेकंड यूनिट है। अच्छा हो गई ये पूरी, ये पूरी नहीं हो रही है क्या? पूरा लिख रहा है ये, न्यूमेरिकल नहीं किए इनके इसमें, न्यूमेरिकल नहीं किए क्यों? करवाए नहीं थे फर्स्ट यूनिट में मैंने, इसमें तो एक भी नहीं है सच में, इसमें एक भी नहीं है। हाँ ओके हाँ, तुम्हें एक चीज और बताई थी मैं पहले, देखो यहाँ पे जो डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना, पोटेंशियल आ गया था हमारा कितना, ये केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, फिर हमने इसे कार्टेशियन में चेंज किया था फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। पता है क्यों? उस टाइम तक मैंने तुम्हें ये नहीं बताए थे ग्रेडियंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, और वहां से चाहे तो सीधे ही हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में निकाल सकते हैं। कैसे? ER हाँ जेड नहीं, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ से इसको ER निकालेंगे पहले, डेल वी अपॉन डेल आर, और फिर ई थीटा निकालेंगे 1/r। ये मैंने देखो बाद में जो लिखवाया है ना, ये जो आया है हमारा ये कैसे आया है, पहले हमने V को कार्टिशियन में चेंज किया है, फिर कार्टिशियन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, और फिर हमने उसको वापस से चेंज किया है पोलर में, तो हम सीधे यहीं से पोलर में ग्रेडियंट निकाल सकते थे, और अभी भी निकालेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, बेसिकली बता रही हूँ। ठीक है मस्त था, डाइलेक्ट्रिक अच्छा ये रह गया है ना, संडे ना कल, थर्ड सी पॉइंट डाल लो, डाल लिया एट अ पॉइंट इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर। इसका फोन लेके मैं किसी दिन फेंकूंगी, तुम्हारा टूट जाएगा।
द नेट चार्ज इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर इज जीरो. द नेट चार्ज इन द पोलराइज्ड स्फीयर इज जीरो. Therefore, potential will satisfy the Laplace equation. And potential will be a single value. Satisfying the boundary condition. At the surface of the sphere. देखो इनसाइड द स्फीयर डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इनसाइड द स्फीयर चार्ज कितना है, जीरो. ठीक है, एंड वी एट आर इक्वल्स टू, हाँ क्या 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 जो अपन ने वैसे स्टार्टिंग में वो कही ना डेल, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ. हाँ बिल्कुल, वो थी मैं बताती हूँ, वो थी डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था. इसमें फिर ई वेक्टर की जगह रख देंगे माइनस ऑफ ग्रेड ऑफ वी, तो ये हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये तो पॉइजन इक्वेशन थी, और फिर जब रो जीरो कर देंगे तो लाप्लास इक्वेशन बन जाएगी. हाँ ठीक है, ये लिख लिया. देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो वी है ना उसका यूज कर लेंगे, उससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी. ठीक है, नीचे लिखो. हाँ तो देखो पोटेंशियल स्फीयर पे कितना है, रो जेड अपन थ्री एप्सिलॉन नॉट, अंदर कोई चार्ज है नहीं है, सॉरी पी, सॉरी पी जेड अपन थ्री एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अंदर कोई चार्ज है नहीं है. हाँ देयरफॉर पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर विल बी Inside the sphere कितना हो जाएगा, देखो सरफेस पे कितना है, पी जेड अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट. हमको पता है कि पोलराइज स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, जीरो. टोटल चार्ज अगर जीरो है तो जितना स्फीयर के सरफेस पे होगा पोटेंशियल उतना ही क्या होगा, अंदर होगा. पोटेंशियल निकल गया, अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट तो जीरो आएंगे, कौन कौन से, नहीं नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी आता है भाई, फिर भी आता है, ई एक्स और ई वाई जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ई जेड तो आएगा कितना, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस पी अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट माइनस पी अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और ई जेड कितना हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, यानी कि माइनस पी अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये आ गया इनसाइड
इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस पी अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट जेड कैप, आ जाएगा कि नहीं? कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जेड कैप नहीं लिख सकते हो? क्यों नहीं लिख सकते हैं? ऐसी बात नहीं, लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। इसका मतलब देखो, इसका मतलब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पोलराइज्ड स्फीयर के, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो पोलराइजेशन के ऑपोजिट होगी। ठीक है, एक डायग्राम और बनाना है, कल परसों बना दूंगी। भूल तो नहीं जाओगे ना फिर? भूलेंगे।